रेलवे नागपुर मंडल में फ्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। इसकी वजह से 6 से 16 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। त्योहारों के एन पहले इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के कैंसिल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में प्री इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। इसकी वजह से 6 से 16 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रक्षाबंधन त्यौहार पर लोग सफर करते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। त्यौहारों से एन पहले इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के कैंसिल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रेलवे सूत्रों के अनुसार गोंदिया इतवारी मेमो, इतवारी गोंदिया, इतवारी रामटेक, रामटेक इतवारी सहित करीब 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 4 गाड़ियों को अपने गंतव्य से पहले समाप्त एवं रवाना किया जाएगा, जिनमें मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी। एनबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित।